हेलो दोस्तों, पेपल भी अब क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। पेपल के वाइस प्रेसिडेंट ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अपने कंपनी का ग्रोथ कराना चाहते हैं, अपनी कंपनी को डेवलपमेंट आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो एक अपनी कंपनी की तरफ से स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल अभी वो इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो कब तक लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चालू है। वो अपना एक स्टेबल कॉइन मतलब कि मुद्री पेमेंट के लिए वो एक स्टेबल रहे, उसके प्रॉफिट और लॉस एक सर्टेन अमाउंट, एक लिमिट जितनी हो उसी में ही हो सके। तो उन्होंने ये कहा कि वो एक अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, और ये जो ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगी वो US डॉलर को सपोर्ट करेगी। पेपल ने सन 2020 में ही क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए परमिशन दे दिया था, लेकिन ये परमिशन सिर्फ अभी तक US यानी अमेरिकी नागरिकों को ही है, अभी और दूसरे कंट्रियों के लिए नहीं है। लेकिन अब वो अपना एक खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। ब्लूमबर्ग को जो रिपोर्ट दिया गया उसमें वहाँ पेपल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी में एक नई कॉइन पेपल की तरफ से एक कॉइन देखने को मिलेगी, और ये कॉइन अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट करेगी, या मे भी हो सकता है दूसरी करेंसी को भी सपोर्ट करे। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।